आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत करते हैं अनुशासन समिति की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों अनुशासनहीनता के कारण हम अपने साथ कांग्रेसी साथियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 14 दिनों का समय दिया गया था, जिसमें 3 आदमी का सो कॉज जवाब आ चुका है। वे हैं राकेश तिवारी, अनिल कुमार ओझा और साधु शरण गोप, और 3 आदमी आलोक दुबे जी, लाल किशोर नाथ सहदेव जी और राजेश गुप्ता जी, ये तीनों जवाब नहीं दिए हैं और समय के लिए एक आवेदन दिए हैं। लेकिन कांग्रेस संविधान में हम लोगों ने काफ़ी जांच किया और देखा तो समय देने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, और सुनील कुमार सिंह जिनको नोटिस दिया गया है शोकॉज के लिए, लेकिन उनका भी न तो जवाब ही आया है और न समय का आवेदन ही दिया है। 3 आदमी के कारण परीक्षा देखने के बाद हम लोग सर्वसम्मति से इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि राकेश तिवारी जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, और अनिल कुमार ओझा जी जो साहेबगंज में हैं और वो भी प्रदेश सचिव हैं। मैं साधु शरण गोप बोकारो से हूँ और मजदूर विस्थापन आंदोलन के द्वारा हम राजनीति में आए हैं। 2018 में हम कांग्रेस ज्वाइन किए नौकरी सेल का छोड़ कर करके। राजनीति में 2005 में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। बन्ना साहब, उमाशंकर अकेला साहब साथ थे, गुरुजी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। 2010 में केंद्रीय महासचिव थे। राज्य को हमने देखा है, संगठन को देखा है, बोकारो में भी जिलाध्यक्ष 2 बार रहे हैं, संगठन कैसे चलता है वो सारे अनुभव के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि राजेश ठाकुर के पास न संगठन का अनुभव है और न प्रदेश के संगठन संचालन का काबिलियत है, और इसके खिलाफ अगर हम लोगों ने बोला है तो आलोचक के रूप में उनकी कमी को सामने हम लोग लाए थे ताकि संगठन मजबूत हो और भाजपा हारे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, जिसको भाजपा हराना सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिला कमेटी का घोषणा हो रहा है, माइनस मुस्लिम सोच कैसे कोई सकता है कि एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष ना रहे और जारी हो जाए सूची। हमको नहीं लगता है कि यह गलती कहा जाएगा, शायद ब्लंडर भी नहीं बोला जाएगा, सुनामी जैसा कुछ होना चाहिए। और वैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष को हम लोग हटा करके बोलते हैं सक्षम को लाना तो शायद कोई अपराध नहीं। 24 जिला के अध्यक्ष में इनको कांग्रेस का जो कोर वोट है वो नहीं दिखाई दे रहा है, भाजपा का जो कमजोरी पॉइंट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को ये देखना काम है, अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है। लेकिन 7 ब्राह्मण को जिला अध्यक्ष बनाए, 4 भूमिहार को जिला अध्यक्ष बनाए, अब बनाइए, ब्राह्मण का भी स्वागत है, भूमिहार सभी जातियों का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस का जो कोर वोट है उसको आपको मजबूत करना है। प्रदेश कमेटी का आप घोषणा करते हैं, प्रदेश कमेटी आप कुछ ही दिन पहले विधानसभा में बात किए कि 27% ओबीसी का होना चाहिए, 28% एसटी का होना चाहिए, 12% एससी का होना चाहिए। प्रदेश कमेटी का जब आप घोषणा करते हैं कहां गया प्रतिशत? ये कोर वोट है, आप ब्राह्मण को पूरा दीजिए, राजपूत भूमिहार लालक दीजिए, लेकिन ये जो कोर वोट है ना उसको भी ताकत दीजिए, उसको बढ़ाइए, नेतृत्व दीजिए। जाधव एक भी नहीं है, तेली एक भी नहीं है, और भी इसी प्रकार के जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों नहीं है? दूसरा चीज, ये बोकारो जिला से है राजेश ठाकुर जी, बोकारो जिला में जिला अध्यक्ष का जो इंटरव्यू हुआ था सब आप लोग देखे होंगे 29 जुलाई को, हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट स्टाइल में इंटरव्यू हुआ, 6 आदमी का इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है जो इंटरव्यू नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष रोके अपने गिरी जिला का आप
जिला अध्यक्ष का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे बनेंगे आप? हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने। भाजपा का आज का भी न्यूज आप देखे होंगे, रघुवर दास जी के कारण सरकार गिरी भाजपा की, मेजोरिटी नहीं आया, कम आया, ये सब लोगों ने देखा है। अगर ये रहेंगे तो क्या हम लोग भी उसी प्रकार चले जाएं रघुवर दास ने जिस तरह भाजपा को किया? अगर कांग्रेस को बचाना है तो राजेश ठाकुर को स्वतः रिजाइन मार कर करके जिसकी मांग उन्होंने किया है 26 से 28 आदिवासी का, उनको देना चाहिए। अगर कांग्रेस के प्रति उनकी श्रद्धा है, वफादारी राहुल जी के प्रति है, सोनिया जी के प्रति है, तो उनको रिजाइन करके उनको बोलना चाहिए कि आदिवासी को यहां पर जो है कि नेतृत्व दिया जाए। और आदिवासी का नेतृत्व जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा का मुकाबला, क्योंकि बहुरंगी है, बहुरूपिया है, उसको हराने के लिए एक अडिग और सत्यवादी जो है आदिवासी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए। और ये मांग कर करके हम लोग पार्टी का काम किए, जहां तक कल का उनका निष्कासन का और ये इसका एक्सप्लेनेशन का, जहां तक हम लोगों ने पार्टी का ये काम किया है, आलोचक के काम किया है, आलोचक तो आईना होता है, उनको सामने रख के पढ़ना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, कार्रवाई जहां तक है कार्रवाई करें, लेकिन पार्टी के हित में भी काम करें, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।